सुशासन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 600 लोगों की सुनी समस्या, फरियादियों को दिया भरोसा, कहा सबकी समस्या का समाधान है सरकार की प्राथमिकता। सीएम योगी ने अधिकारियों को सभी समस्याओं को प्रभावी ढंग से निस्तारित करने के दिए निर्देश। जटाशंकर गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर के 347वें शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सीएम योगी, कहा धर्म संस्कृति व राष्ट्रीयता की रक्षा के प्रति आग्रही बनाती है सिख गुरुओं की परंपरा। गुरु तेग बहादुर के त्याग और बलिदान से विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है देश। एक हजार से अधिक जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित हुए सीएम योगी, नौ दंपतियों को दिया आशीर्वाद, कहा बाल विवाह व दहेज कुप्रथा के खिलाफ ले संकल्प। सामूहिक विवाह योजना के जरिए प्रदेश में अब तक 2 लाख से अधिक शादियां करा चुकी है सरकार। चली सामियाना में आज तोहरे चलते गोली, भोजपुरी सॉन्ग पर तमंचे पर डिस्को करना युवक को पड़ा महंगा। पिपराइस थाने की पुलिस ने युवक पर दर्ज किया मुकदमा, गिरफ्तार कर भेजा जेल। हत्या करने वाली महिला सहित 3 अभियुक्तों सोनू गुप्ता, कमलेश गुप्ता एवं गीता देवी के ऊपर सहजनवा थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। IIM गोरखपुर के सचिव पद का चुनाव अगले आदेश तक हुआ स्थगित। IIM के सचिव डॉक्टर BN अग्रवाल ने कहा बुधवार को IIM गोरखपुर के जनरल बॉडी मीटिंग के बाद चुनाव की तारीख की जाएगी घोषणा। जो राम को लाए हैं गाने से देश भर में लोकप्रिय गायक कन्हैयालाल मित्तल ने गुरु गोरखनाथ का किया दर्शन पूजन, कहा राम और संत योगी के मिलन से लोकप्रिय हुआ है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना, राजनीति नहीं धर्म और संस्कृति से है मेरा सरोकार। आर्मी अग्निवीर स्पेशल ट्रेन चलाने पर पूर्वोत्तर रेलवे के 2 अधिकारी, उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक धीरेन्द्र कुमार एवं मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक आलोक कुमार सिंह को स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। कहा अग्निवीर भर्ती स्पेशल ट्रेन चलाने के अनुरोध पर पूर्वोत्तर रेलवे ने तत्काल सहजनवा से वाराणसी सिटी तक अग्निवीर के नाम से चलाई स्पेशल ट्रेन, हजारों प्रतियोगियों को मिली सहूलियत।